चिटफंड कंपनियों के कारण धूमिल हो रही अपनी छवि से चिंतित डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अब चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए खुद आगे आने लगी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की एसोसिएशन ADSEI ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर केंद्र सरकार से नियम बनाने की मांग की है ताकि चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसा जा सके। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की एसोसिएशन ADSEI का मानना है कि रूल्स बनने के बाद रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना और वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य से कार्य कर रही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए काम करना और भी आसान हो सकेगा। रविवार को रोहिणी के एक 5-स्टार होटल में आयोजित डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के समिट में एकजुटता से यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में जल्द ही ADSEI का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से मिलेगा। समिट में देश भर की लगभग 50 से अधिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के डायरेक्टर्स ने हिस्सा लिया और भविष्य की योजनाओं और इस व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों के सामने आ रही समस्याओं और उनके निदान पर विस्तृत चर्चा की। एसोसिएशन के सचिव और केंद्रीय खाद्य वितरण एवं उपभोक्ता मंत्रालय के पूर्व सचिव हेम पांडे ने यहां आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को सच करने में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की भूमिका को पूर्ण माना। इससे ग्रैंड समिट में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भाजपा नेता, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से सांसद और दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि निश्चित ही कुछ चिटफंड कंपनियों के कारण ईमानदारी से कार्य कर रही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े व्यवसायियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है उसके बाद से इस इंडस्ट्री के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। वर्ष 2016-17 में मोदी सरकार इस इंडस्ट्री के लिए पहली बार गाइडलाइंस लेकर आई, जिसका इंतजार इस इंडस्ट्री के लोगों को विगत 20 वर्षों से था। मनोज तिवारी ने कहा कि इस इंडस्ट्री से रोजगार के अवसर के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिला है। मनोज तिवारी ने उपस्थित कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि एसोसिएशन उठाई गई बातों को वो केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी समस्याओं का निदान हो सके। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है आज का। ये ADSEI मतलब एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, इसका एक प्रकार से जन्मदिन है आज। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां बहुत समय से हैं, लेकिन इनके लिए गाइडलाइन नहीं थी। भारत सरकार ने 2019 में गाइडलाइन बना दी, तो इनको इनकी समस्याएं दूर हो गई और अब इनको कार्य करने में बहुत आसानी हो गई है। तो ये जो ADSEI है, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, ये 5 कंपनियों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि जैसा इनके टीम के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हेम पांडे जी ने कहा कि बहुत जल्दी इसमें 50 संस्थाएं होंगी, हम भी चाहेंगे कि देश की सभी डायरेक्ट सेलिंग संस्थाएं एक एसोसिएशन में हों और वो वर्ल्ड फोरम से भी जुड़े, ताकि हमको सरकार के रूप में भी उनके लिए काम करने में, उनको सुविधा देने में हमें आसानी हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो हैं, ये आत्मनिर्भरता का भी बहुत बड़ा साधन है। और मैं पिछले 20 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हमारे देश में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर हम लोग दुनिया से इसका कंपैरिजन करें तो दुनिया में पिछले साल 2020 कैलेंडर के अगर हम बातचीत करें तो डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर था वो 180,000 मिलियन डॉलर के लगभग था, और उसमें से इंडिया की हिस्सेदारी मात्र 3,000 मिलियन डॉलर की थी। तो उस दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा स्कोप हमारे देश में है, और किसी भी इंडस्ट्री को आके लेके जाने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, एसोसिएशन की ज़रूरत है, ताकि सरकार के सामने अपनी बातचीत रखी जाए। तो उसकी एक बड़ी अच्छी पहल है। हालांकि पहले भी हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की कुछ एसोसिएशंस काम कर रही हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो जितनी भी एसोसिएशन आएंगी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और ज़्यादा मजबूत होंगी। तो एक बहुत अच्छी, आज आपने देखा एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया का जन्म हुआ है। ये एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो डायरेक्ट सेलिंग करती है। मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग के जितनी कठिन कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये पहले कंज्यूमर से रिश्ता बनाती है फिर व्यवसाय करती है, तो बहुत कठिन व्यवसाय है। यही वही लोग आ सकते हैं जो विनम्र हैं, जो मेहनत करना जानते हैं,
और इस इंडस्ट्री में इंट्री बहुत आसान है, है ना। आपको कोई पूंजी नहीं चाहिए, आपको कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी है और ईमानदार होना पड़ेगा और विनम्र होना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री के यही चैलेंज हैं। और आज आपने देखा एडसी में 5 कंपनियां ऑलरेडी मेंबर हो चुकी हैं और भी कंपनियां धीरे धीरे, ये एसोसिएशन कैसा काम करती है उस पर निर्भर करेगा। पर आपने आज देखा कि बहुत से डायरेक्ट सेलर आए हैं, पहले एक कंपनी होती है, फिर उसके डायरेक्ट सेलर होते हैं और फिर कंज्यूमर होता है। मैं यही कहूँगा, ये एक एसोसिएशन की आज ग्रांड समिट थी जिसमें भारत की 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां सदस्य हैं और यहां पर तो 500 लोग आए थे, लेकिन ये प्रतिनिधित्व करते 50 लाख लोगों का। एसोसिएशन होनी इसलिए ज़रूरी कि सरकार से जब भी कोई बातें करनी होती है तो माध्यम एसोसिएशन होता है, कोई कंपनी डायरेक्ट जाके बात नहीं कर पाती। तो एक अच्छी एसोसिएशन जिसके प्रेसिडेंट हमने हेम पांडे जी, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं कंज्यूमर अफेयर्स के, वो इस एसोसिएशन के अंदर हमारे चेयरमैन हैं और उनके अनुसार हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। और भारत के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत है और जो स्वदेशी मिशन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग करती है। तो आज प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और हम लोग बहुत खुश हैं। दिल्ली से बीसीएन न्यूज़ के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।